दोस्तों आज जो प्रोडक्ट के रिव्यू करने वाला हूँ वो है जेनिथ न्यूट्रिशन के क्रोमियम पिकोलिनेट। इसे आप बॉडी बिल्डिंग में कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके डोजेस, यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। क्रोमियम एक अमेजिंग ट्रेस मिनरल है जो बॉडी के लिए एसेंशियल मिनरल होता है। क्रोमियम ब्लड शुगर को बैलेंस करता है। जो लोग ओबेसिटी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, डायबिटीज से जूझ रहे हैं, क्रोमियम उनके लिए फायदेमंद है। काफी सारे लोगों को जितना क्रोमियम हमें डेली चाहिए उतना डाइट में उन्हें नहीं मिलता, इसलिए उन्हें डेली डाइट में सप्लीमेंट को ऐड करना पड़ेगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है जेनिथ न्यूट्रिशन के क्रोमियम पिकोलिनेट। ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो आइए जानते हैं क्रोमियम क्या है। There is good clinical evidence for its use as a treatment for type 2 diabetes. Chromium first discovered in the late 18th century. It was not recognized as an important nutrient until the 1940s. Typically, chromium helps metabolize carbohydrates, fat, sugar, and it also helps insulin do this job. Chromium is found in number of foods including some meat, fish, oil, eggs, whole grains, and few vegetables like broccoli and carrots. जो लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं उनमें काफी सारे लोगों के बॉडी में क्रोमियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और कईयों के एब्जॉर्ब हो पाते हैं। स्टडीज में ये पता चला है क्रोमियम इज बेटर एब्जॉर्ब्ड व्हेन कंबाइंड विद पिकोलिनेट। सो व्हाट इज पिकोलिनेट? ए सब्सटेंस नेचुरली प्रोसेस्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन एमिनो एसिड्स। क्रोमियम पिकोलिनेट बॉडी में काफी अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। इट हेल्प्स रिड्यूस फूड इनटेक, सुप्रेस्ड हंगर लेवल्स। ये मसल मास को इंक्रीज करता है एंड ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस करता है। ये ग्लूकोज के द्वारा मिलने वाले एनर्जी को एनहांस करता है। अगर आपने ज्यादा शुगर वाला फूड खा लिया एंड आपके शुगर लेवल स्पाइक करता है तो क्रोमियम उनको बैलेंस करता है। और जिन लोगों के लगातार कोशिश करने पर भी वेट लॉस नहीं हो पा रहा है उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल है। ये वेट लॉस करने के साथ साथ ये मसल मास को भी इंक्रीज करता है। क्रोमियम पिकोलिनेट शोज द मोस्ट प्रॉमिस फॉर इंप्रूविंग ब्लड शुगर कंट्रोल इन द पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज। स्टडीज में ये पता चला है 37 पीपल जो टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को 100 mcg क्रोमियम पर डे दिया गया। आफ्टर 6 मंथ्स जिन लोगों को क्रोमियम दिया गया उन लोगों के इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड ग्लूकोज कंट्रोल काफी इंप्रूव हुए। दूसरा एक स्टडीज किया गया 50 मेन एंड वुमेन के ऊपर जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है और 50 पीपल जो नॉर्मल है उनके ऊपर। People with diabetes have lower levels of chromium than the general population. लेकिन उन लोगों को जब 200 mcg क्रोमियम पिकोलिनेट दिन में दो बार दिया गया 12 हफ्ते तक तो उनके ग्लाइसेमिक कंट्रोल में काफी इंप्रूवनेस देखा गया। क्रोमियम पिकोलिनेट मे वर्क बाय इंक्रीजिंग द एक्शन ऑफ इंसुलिन। सो इसके वजह से इंसुलिन बॉडी में अच्छी तरह से काम कर पाता है। अगर आप डायबिटीज से जूझ रहे हो तो इस सप्लीमेंट से आपका अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों कुछ लोगों का ये मानना है क्रोमियम हार्ट डिजीज एंड डिप्रेशन को कम करता है, बट इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। दोस्तों आजकल काफी सारी बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स में एंड वेट लॉस सप्लीमेंट्स में पॉपुलर कंपोनेंट्स के हिसाब से क्रोमियम को यूज किया जाता है। क्रोमियम पिकोलिनेट को लगातार 6 महीने तक यूज किया जा सकता है, डोजेज अप टू 100 mcg पर डे के हिसाब से। इसका कुछ छोटा मोटा साइड इफेक्ट्स है जैसे हेडेक, नींद आना एक्सेट्रा। दोस्तों ज्यादा मसल मास के चक्कर में आप इसका ओवरडोज कभी मत करना। और अगर आपको पहले से ही किडनी रिलेटेड कोई इशू है या आप एलर्जेटिक हो तो इसे यूज करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। दोस्तों जेनिथ न्यूट्रिशन का क्रोमियम पिकोलिनेट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाइए और अच्छा सा डिस्काउंट का लाभ उठाइए। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।